ब्रिटेन में बढ़ती प्रवासियों की तादाद के मद्देनजर ब्रिटेन ने अपनी वीजा नीति में बदलाव का ऐलान किया है। ब्रिटेन की सरकार ने यह बदलाव यूरोपीय संघ से बाहर के लोगों के लिए किया है। ब्रिटेन के इस बदलाव से बड़ी संख्या में भारतीय, खासतौर पर आईटी पेशेवर प्रभावित होंगे। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की ओर से घोषित नए वीजा नियमों के मुताबिक टायर टू इंट्रा कंपनी ट्रांसफर यानी आईसीटी के लिए 24 नवंबर के बाद आवेदन करने वालों के लिए अनिवार्य वेतन की न्यूनतम सीमा 30,000 पाउंड की होगी। पहले ये सीमा 20,800 पाउंड की थी। बता दें कि आईसीटी माध्यम का इस्तेमाल ज्यादातर ब्रिटेन स्थित भारतीय आईटी कंपनियां करती हैं और ब्रिटेन की इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने पाया कि इस साल की शुरुआत में इस रास्ते से जारी वीजाओं में से लगभग 90% वीजाओं पर भारतीय आईटी पेशेवर तैनात है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, टीयर टू में लाए गए बदलावों के दो चरणों में से पहले चरण की घोषणा सरकार ने मार्च में की थी। ये घोषणा स्वतंत्र इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की समीक्षा के बाद की गई थी। यदि इस संदर्भ में इसके विपरीत कोई आदेश नहीं आता है तो इसे 24 नवंबर से लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि इस बदलाव की घोषणा ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे के 3 दिवसीय भारत यात्रा के 6 नवंबर को भारत पहुंचने से कुछ दिन पहले ही की गई है।